Dear, today I am going to start chapter matrix. What is matrix? First of all, I am going to discuss what is matrix. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or function. What is matrix? A matrix is an ordered rectangular array of numbers or function. मतलब numbers का rectangular array में arrangement को हम लोग matrix कहते हैं. जैसे कुछ examples लेते हैं. मैंने कुछ examples लिया जैसे 1, 3, 5, 0, -2 and 7. इस नंबर को हमको रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज करना है और रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बन जाएगा. और मैट्रिक्स को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, अल्फाबेट से, कैपिटल में. जैसे ए एक मैट्रिक्स हमने लिया, इस नंबर को हम लोग रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज कर रहे हैं और रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स बनेगा और मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले ये है रेक्टेंगुलर अरे. इस तरह ये ब्रैकेट को हम लोग रेक्टेंगुलर अरे कहेंगे और इसमें ये जितने भी नंबर्स हैं इसको हम लोग अरेंज करेंगे. जब इसमें पूरे अरेंज हो जाएंगे इस नंबर को ऑर्डर्ड बेसिस पे तो हम लोग इसको मैट्रिक्स कहेंगे. जैसे फर्स्ट अरेंजमेंट है 1, 3, 5, 0, -2, 7. तो ये नंबर को मैंने ये रेक्टेंगुलर में अरेंज कर दिया और ये एक मैट्रिक्स बन गया और उस मैट्रिक्स का नाम है ए. जनरली कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसमें है कि इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन क्या है. तो सबसे पहले इस में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम इस मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले जानना होगा कि यहाँ देख रहे हैं कि टू हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है. वन फर्स्ट, ये फर्स्ट अरेंजमेंट है और ये सेकंड अरेंजमेंट है. दो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है जिसका हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रो. इसको हम लोग बोल सकते हैं आर वन मीन्स रो वन एंड आर टू मीन्स रो टू. और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये है थ्री वर्टिकल अरेंजमेंट है जिसको हम लोग C1, C2 एंड C3, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम कहते हैं. तो यहाँ थ्री कॉलम है एंड टू रो है. मतलब टू हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है एंड थ्री वर्टिकल अरेंजमेंट है. हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग कॉलम कहते हैं. जो ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स को लिखते हैं वो रो बाय कॉलम कहते हैं. मतलब पहले रो को लिखते हैं तो रो कितना है? दो रो है और कॉलम कितना है? थ्री. मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 2/3 इस मैट्रिक्स का. तो अब क्वेश्चन है कि ये जो नंबर है सिर्फ यही एक ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है, यही एक अरेंजमेंट हो सकता है या और भी हो सकता है? तो आंसर है कि और भी हो सकता है. कितना हो सकता है इसको भी आगे डिस्कस करेंगे. तो इस नंबर का अभी और क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? तो हम एक और मैट्रिक्स डिजाइन कर रहे हैं बी, जिसको हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हैं. इस नंबर का 1, 3, 5, 0, -2, 7. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो था टू हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था और थ्री वर्टिकल अरेंजमेंट था. यहाँ पे हमने देख रहा है कि थ्री वर्टिकल अरेंजमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो रहा है और टू वर्टिकल अरेंजमेंट है. मतलब यहाँ पे जो रो है वो रो है थ्री और कॉलम जो है वो है टू. तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि रो बाई थ्री को हम लोग ऑर्डर कहते हैं. तो 3/2 ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का. और भी बन सकता है क्या? तो हम लोग इसको इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे 1, 3, 5, 0, -2, 7. ये भी एक अरेंजमेंट है. इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कितने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है. तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. मतलब यहाँ पे रो जो हो रहा है 6 है और कॉलम वनली 1 कॉलम है.
कॉलम जो है वन, तो इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर 6 by 1 मतलब 6:1 का है। और भी हो सकता है, यस एक और अरेंजमेंट हो सकता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 3 5 0 -2 7। तो हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें हमारा जो रो है ओनली वन रो है और कॉलम जो है वो 6 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया 1:6। अब बात है कि इस नंबर का और भी बन सकता है और इतना ही बनेगा, ये कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज सिक्स एलिमेंट्स व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर। सिक्स एलिमेंट्स किसको कहते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का ये जो मेंबर्स, ये जो नंबर्स हैं उसको एलिमेंट्स कहते हैं। मैट्रिक्स का अरे, रेक्टेंगुलर अरे के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग मेंबर्स और एलिमेंट्स कहते हैं। तो 6 एलिमेंट्स हैं और हमको फाइंड करना है कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा। तो 6 एलिमेंट्स को ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 कितने बार आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 6 आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो फर्स्ट 2 × 3 ये एक आ सकता है 6, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6 ये भी आ जाएगा 6, 1:6 ये भी 6 पॉसिबल है और 6:1। और हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा। तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो गया? पॉसिबल ऑर्डर्स जो है वो है, और यही आंसर है। जैसे हम लोग देखा कि यहाँ पे 6 हमने नंबर्स लिया था और ये 6 नंबर को रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किया, और ये एक ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। जैसे इफ अ मैट्रिक्स हैज 7 एलिमेंट्स व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर। हमने अभी बताया था कि 6 एलिमेंट्स था, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आना चाहिए, उतना ही पॉसिबल ऑर्डर्स होगा। तो हम लोग 6 एलिमेंट्स के लिए ये पॉसिबल ऑर्डर्स निकाला था, आंसर हमारा 4 आया था। अब हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं और हमको पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड करना है, तो दो नंबर, अब इसके लिए भी हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 आना चाहिए। तो 6 जो था वो इवन नंबर था और 7 जो है वो ओड नंबर है, और वो भी प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। तो इसका ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होगा। फर्स्ट जो है 1:7 = 7 हो सकता है, और 7:1 = 7 हो सकता है, और कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 नहीं आएगा। इसलिए इसका पॉसिबल ऑर्डर्स ओनली कितना होगा? 2, ये 2 आंसर होगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा मैं अभी तक क्या कॉन्सेप्ट बताया। एक मैट्रिक्स लिया ए जिसमें कुछ इस तरह से एलिमेंट्स हैं, 1, 7, -3, √2, 0, 1/7, 8, 0, 3, 4, 1, 2, एंड वी हैव टू फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ रो। What is the number of row in this matrix? ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया जिसमें ये सारे मेंबर्स हैं, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हमने इस पूरे नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एरे में हमने रख दिया है, तो अब हमको फाइंड करना है कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितना है, वर्टिकल अरेंजमेंट कितना है, मीन्स नंबर ऑफ रो। हम लोग इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, तो हॉरिजॉन्टल में हमारे कितने नंबर अरेंजमेंट है? तो ये फर्स्ट है, सेकेंड और ये थर्ड, तो नंबर ऑफ रो हमारा कितना हो गया? 3। सेकेंड नंबर ऑफ हमारा कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम तो 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम है। वर्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि row 1, row 2, row 3, और उसी तरह से column 1, column 2, column 3, column 4, यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 कॉलम है। अब बात ये कि इसमें ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
तो अभी हमने बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए रो बाई कॉलम को ऑर्डर करते हैं 3:4। अब किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल मेंबर्स को हम लोग कहते हैं, टोटल मेंबर्स जो है उसको हम लोग ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ये टोटल मेंबर्स कितने हैं, 12 है टोटल मेंबर्स। अब इसमें एक और चीज बहुत अच्छा से हम लोग को जानना होगा, किसी भी मैट्रिक्स में जो मेंबर्स होते हैं उसका एक खास लोकेशन होता है, पोजीशन होता है। जैसे हम एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं बी, जिसका एलिमेंट्स है और मेंबर्स है 2, 3, 1, 7। अब इस मैट्रिक्स में यहां पे पोजीशन, यहां पे पोजीशन, यहां पे पोजीशन, ये सबका अलग अलग पोजीशन है। तो एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए अपना एक नेम है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा। जनरली मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर। इसको हम एम इंटू एन को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ये आई, आई को बोलते हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो बोलते हैं। और जे को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स को अगर हम, इस मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोकेशन को, ये सारे ये एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है तो हम बताना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 का जो पोजीशन है A11, ये 3 का जो पोजीशन है A12, ए इस 1 का जो पोजीशन है A21, और ये 7 का जो पोजीशन है A22। मतलब हम लोग ये 1-1 और ये 1-2 क्या है, तो हम लोग 1, जैसे ये 2-1 है तो 2 को हम लोग रो कहते हैं और 1 को हम लोग कॉलम कहते हैं। इसमें भी ये 2 क्या है, रो है, और इसमें 2 क्या है, कॉलम है। इस सब में फर्स्ट को रो बोलते हैं और सेकंड को कॉलम, फर्स्ट को रो, सेकंड को कॉलम। तो हम अगर ये 2 को बात करेंगे तो 2 क्या है, 1-1 है, और 3 क्या है, 1-2 है। ये 1 क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि रो 2 में है और कॉलम A21 है। ये मतलब 1 क्या है, 1 जो है 2-1 है। कैसे 2-1, ये 1-1, 8-1-2 क्या है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स B है जिसका फर्स्ट ये 2 एलिमेंट्स है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, तो A11, मतलब A11 का मतलब कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 हो गया। तो सारे मैट्रिक्स के लोकेट करने के लिए एक अपना नेम होता है, पोजीशन होता है, जिसको हम लोग A11। तो ये तो हमारा इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर था, 2x2 का। इसी तरह से अगर हम लोग अगर 3x3 का लोकेट करना चाहें, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ए बनाया है जिसका 3x3 ऑर्डर है, तो हम लोग इसका एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये सारा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, और ये सारा क्या है, पोजीशन है किसका, इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होता तो उसका ये पोजीशन होता। तो आइए हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग को अगर इसको उतारना होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आगे। व्हाट इज मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। आप लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं कि नंबर्स को रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करने का मेथड को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, अभी कोई ये बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड के बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। आइए हम एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आगे। मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर हुज एलिमेंट्स आर, हमने बताया एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ए आई जे मतलब आई थ्रो एंड जेथ कॉलम। तो आर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j।
आई प्लस टू जे, ये इसका फॉर्मूला है और इस बेसिस पे हमको एक मैट्रिक्स टू बाई टू ऑर्डर को डिजाइन करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं कि लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर टू बाई टू है, तो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे अभी मैंने बताया था ऑर्डर टू बाई टू का, तो इसका जो एलिमेंट्स हो सकते हैं उस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ए वन वन होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में ए वन टू, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में ए टू वन और ए टू टू, ये है जिसका ऑर्डर क्या है टू बाई टू। अब हम लोग एक एक एलिमेंट्स को, ये जो पोजीशन है इसका एलिमेंट्स क्या होगा, इसको इस फॉर्मूला पे हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूला से बेसिस पे। कैसे? जैसे ए वन वन को हमको निकालना है, तो ए वन वन, वन क्या है आई है और ये वन क्या है एजे है, फर्स्ट वाला को आई थ्रो बोलते हैं, आई बोलते हैं सेकेंड को जे। अब आई जे का हमारा यहाँ पे दिया हुआ आई प्लस टू जे, तो आई का वैल्यू क्या है वन, ये इस फॉर्मूला पे पुट कर रहे हैं, प्लस टू इंटू जे का वैल्यू क्या है वन, तो क्या हो गया वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। इसी तरह से हम लोग ए वन टू को निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे भी आई, ये आई है और ये क्या है जे, हमेशा फर्स्ट वाला को आई कहते हैं और सेकेंड वाला को जे, और इस फॉर्मूला में पुट करेंगे आई और जे का वैल्यू इस फॉर्मूला में, तो आई क्या है वन प्लस टू इंटू जे का वैल्यू क्या है टू, यानी वन प्लस फोर इक्वल टू क्या हो गया फाइव। अब हम लोग नेक्स्ट ये दोनों का निकाल लीजिए, तीसरा निकालने जा रहे हैं ए टू वन क्या होगा, तो यहाँ पे आई का वैल्यू टू है और जे का वैल्यू वन, तो टू प्लस टू इंटू वन इक्वल टू टू प्लस टू इक्वल टू फोर, ए टू टू, तो आई इक्वल टू टू, जे इक्वल टू टू, टू प्लस टू इंटू टू इक्वल टू टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स। हमारे पास सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स का वैल्यू आ गए, अब हम लोग पुट कर देंगे, तो देयरफॉर जो मैट्रिक्स होगा ए इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस्पॉन्डिंग प्लेस पे मतलब ए वन वन के प्लेस में ये पुट करेंगे, ए वन टू के प्लेस में ये पुट करेंगे और ए टू वन के प्लेस में ये पुट करेंगे, तो सारा पुट करते हैं। ए वन वन है कितना वैल्यू निकाले है ए वन वन का थ्री, ए वन टू का वैल्यू कितना निकाले है फाइव, उसी तरह से ए वन टू निकाल दिए, ए टू वन का वैल्यू कितना है फोर और ए टू टू का वैल्यू कितना है सिक्स। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है टू बाई टू। कैसे? टू बाई टू मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो, मतलब रो टू है और कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो कॉलम भी कितना है टू, यही हमारा मैट्रिक्स हो गया। मैं एक और मैट्रिक्स को डिजाइन कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाई टू, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाई टू हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई टू। हमको इस कॉन्सेप्ट में हमको 3 बाई टू ऑर्डर का एक मैट्रिक्स को डिजाइन करना है। 3 बाई टू मतलब रो 3 और कॉलम 2। हमने एक मैट्रिक्स लिया, लेट बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ, वी हैव टू टेक 3 रो, 3 रो मींस ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू। यू कैन सी हियर इन दिस मैट्रिक्स 3 रो, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2, मीन्स ऑर्डर कितना है 3 बाई 2 ऑर्डर है। अब यहाँ हम सारे जो पोजीशन है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का वो यूजिंग द फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है ए वन वन, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होता ए वन वन, अब ए वन वन मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसको पुट करेंगे तो क्या होगा वन प्लस वन, ये क्या है फर्स्ट वाला आई कहते हैं सेकेंड वाला जे, और ये आई और जे का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे ये फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है आई प्लस जे, तो आई और जे का वैल्यू क्या है वन और वन, वन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू, वन और वन कितना हो गया टू का होल स्क्वायर बाई टू, यानी फोर बाई टू इक्वल टू टू। उसी तरह से सारा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए वन टू वन प्लस
टू होल स्क्वायर बाई टू मीन्स टू और वन थ्री होल स्क्वायर नाइन बाई टू। डेसिमल में नहीं करेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आप डेसिमल में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसे ही मैट्रिक्स में फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं, डेसिमल में वैल्यू नहीं लिखते हैं। ए टू वन टू प्लस वन होल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू नाइन बाई टू। ए टू 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 प्लस टू होल स्क्वायर बाई टू टू और टू फोर सिक्सटीन बाई टू इक्वल टू एट। ए टू ए थ्री वन यहाँ पे इसका निकाल रहे हैं, मतलब आई का वैल्यू थ्री है और जे का वैल्यू वन, क्या हो जाएगा इसमें पुट करेंगे तो थ्री प्लस वन बाई ए होल स्क्वायर हो जाएगा थ्री और वन फोर होल स्क्वायर सिक्सटीन बाई टू इक्वल टू एट। ए थ्री टू क्या हो गया, थ्री प्लस टू का होल स्क्वायर बाई टू थ्री और टू फाइव ट्वेंटी फाइव बाई टू। अब ये सारे वैल्यू को हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग इसमें पुट कर देंगे तो देयरफॉर मैट्रिक्स जो होगा मैट्रिक्स ए वन वन, ए वन वन कितना निकाले हैं टू, ए वन टू कितना निकाले हैं नाइन बाई टू, ए टू वन कितना निकाले हैं नाइन बाई टू, ए टू टू कितना निकाले हैं एट, ए थ्री वन कितना है एट, ए थ्री टू कितना है ट्वेंटी फाइव बाई टू। ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा और यही आंसर।